नाउ हेलो नमस्कार दोस्तों, सही का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फॉर इसके समय। दोस्तों आज हम सही रिकॉर्ड वीडियो के साथ आए हैं, और दोस्तों ये भी वीडियो है जीके की वीडियो है, तो दोस्तों हो सकता है वीडियो का पूरा देखना, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक मिलेगा, ये वाला वीडियो है, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये मेरा दूसरा चैनल है, इस पर ये वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, और इस चैनल का भी आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी जो है वो इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है, और इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगी वो सारी के सारी वो हिंदी में अवेलेबल रहेगी। तो दोस्तों जो हिंदी वाले हैं वो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए चले देर न करते हुए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सोएल, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है हाउ मेनी कार्ड आर देयर इन ए कम्प्लीट पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि कार्ड यानी कि आपका जो ताश होता है ना, ताश, उसमें आपको ये बताना है कि उसमें जो है ताश के एक पैक में, उसमें जो इसका एक पैक होता है डब्बा, उसमें कितने कार्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 52। एक ताश के जो डब्बा आता है उसमें टोटल जो 52 कार्ड जो है वो रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया, इसका आपको जो ये चार ऑप्शन है इसमें से किसी एक को बताना है आंसर, सही आंसर। सुहेल, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गायत्री सिन्हा। दोस्तों आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको बुक और उसके ऑथर से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, यानी कि दोस्तों अफ्रीका का जो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, K2, माउंट किलिमंजारो या फिर कंचनजंगा। सुवेल, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और दोस्तों कहीं आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की जो है सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम चौथे क्वेश्चन को, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है विच इज़ कॉल्ड व्हाइट कंटिनेंट, यानी कि व्हाइट कंटिनेंट के नाम से हम किसको जानते हैं। आपके पास ऑप्शन ये चार ऑप्शन है। ठीक, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, यानी कि अंटार्कटिका। अगर आप अंटार्कटिका को देखिए तो यहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ, यहाँ पर टेम्परेचर इतना मतलब लो रहता है, यहाँ पे जो है आपको बात करें ठंडी में यहाँ पे माइनस में 95 डिग्री सेल्सियस तक की भी यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। ठीक, आप सोच के देखिए, हम अगर बात करें हमारे यहाँ जो ठंड पड़ती है उसमें टेम्परेचर कितना रहता है, 5 से लेकर के 8 डिग्री मैक्सिमम, जो मिनिमम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वो इतना ही रहता है, 5 से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस। भले जो जो कश्मीर हो गया वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठंड पड़ता है लेह साइड की और लेह लद्दाख की, पर जो नॉर्मल हमारे यहाँ इंडिया में जो टेम्परेचर रहता है वो इतना रहता है ठंडियों में 5 से लेकर के 8 डिग्री, तो इतने में ही हमारा हालत ख़राब हो जाता है। आप सोच के देखिए कि -95 डिग्री सेल्सियस में क्या हाल होता होगा। और यहाँ पे अफ्रीका में आपको कोई भी ह्यूमन जो है ये ह्यूमन सेटलमेंट आपको नहीं मिलेगी, जस्ट आप यहाँ पर इतने ठंडी में रहेगा कौन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जो ये ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, और अंटार्कटिका में, अफ्रीका बोल रहा हूँ मैं, अंटार्कटिका में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कहीं आपसे ये पूछा जाए विच इज़ कॉल्ड डार्क कंटिनेंट, व्हाइट कंटिनेंट की जगह पर यहाँ पर डार्क लगा दे, तो डार्क कंटिनेंट के नाम से हम किसे जानते हैं, वो है हमारा अफ्रीका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पाँचवा क्वेश्चन है, देख लेते हैं आगे पाँचवें क्वेश्चन में क्या है। और दोस्तों देखिए इस ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें ये पूछा गया विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, यानी कि एशिया का जो सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कौन सा है, वो है आपका रसिया। ठीक है, और रसिया की मैं बात करूँ तो रसिया सिर्फ एशिया का ही नहीं, ये वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कंट्री है, और इसकी रसिया के आपको जो कैपिटल कहाँ पे मिलेगी, इसकी कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये है रूस, ये पूरा यहाँ पर ये आपको जो ये ऑरेंज कलर में थोड़ा दिखाई दे, पूरा का पूरा रूस है, और रूस रूस के हम जो ये वाला इतना वाला जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं फार ईस्ट। ठीक, और ये हमारा सेंट्रल एशिया, तो जो रूस का जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रहता है वो सेंट्रल एशिया के साइड की तरफ ही रहता है। ठीक है, और उसके बाद रूस की बात करें तो रूस का कुछ एरिया आपको यहाँ पे यूरोप में ही पड़ता है। देखिए यहाँ से यहाँ पे ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना इतना इधर वाला, ये वाला एरिया जो है वो रूस का जो है वो यूरोप में पड़ता है, यानी कि दोस्तों जो रूस है वो आपका एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है, और साथ ही साथ आपका जो है यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों में है रूस का जो है,
वो हिस्सा है। रूस जो है पड़ता है एशिया में भी पड़ता है, और आपका जो है ये यूरोप में भी पड़ता है। और एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रशिया, और उसके बाद अगर हम बात करें कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है तो वो आपका ये वाला है चाइना, ठीक है। और 30 नंबर 3 पर आता है हमारा इंडिया, और इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर, यानी कि जो यूरोप है वो कौन सा हेमिस्फीयर में जो है वो स्थित है। आपके पास जो ऑप्शन है ये चार है, नॉर्दर्न, साउदर्न, या फिर साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सोवेल देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे। देखिए जो ये हमारा एक हमारा जो अर्थ हो गया, हमारे अर्थ में आप सभी को मालूम होगा जो है वो दो हेमिस्फीयर है, एक है नॉर्दर्न एक है साउदर्न। तो ये जो ऊपर वाला रहता है ना ये यहाँ ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो नीचे वाला रहता है इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जा रही है ना लाइन, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो हमारे अर्थ को जो है वो दो भागों में जो डिवाइड करता है, ठीक है ठीक। और ये वाली जो लाइन जा रही है ना यहाँ से यहाँ यहाँ नॉर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल से यहाँ सीधे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये वाली लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो देखिए हम हमसे पूछा गया था यूरोप के बारे में, तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो यूरोप है, ठीक है, ये हमारा यूरोप है। और मैंने आपको बताया था ना ये ऊपर वाले को हम जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को हम साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये यूरोप कहाँ पे स्थित है, आता है यहाँ पे। तो ये कहाँ ये कौन से हेमिस्फीयर में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया कौन से हेमिस्फीयर में, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये वाला आपको हो गया ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, ठीक है, यानी कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी है, वो है आपकी बोल्गा नदी, बोल्गा, ठीक है दोस्तों। बोल्गा नदी बात करें तो ये जो है ये रूस से बहती है, ठीक है, और रूस से बहती हुई ये आपका ये कैस्पियन सी में ये नदी जो है वो आ जाती है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये इस टाइप के भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद बात करें ये नवे क्वेश्चन, दोस्तों देखिए नवा क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें जो है इस टाइप के ये वाले सेम यही क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो इसको यहाँ पे रखा है, इसमें ये पूछा है वेयर इज़ द पारादीप पोर्ट लोकेटेड, यानी कि जो पारादीप पोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है। सोवेल देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। मैं आपको मैप के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए हमारे इंडिया की बात करें तो देखिए ये वाला जितना एरिया है ना यहाँ से लेकर के ये, इसको हम बोलते हैं कोस्टल लाइन, ठीक है, कोस्टल लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी दिया गया सब सब सारे के सारे जो पोर्ट है, पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा कांडला पोर्ट, ठीक है, कांडला जो कि गुजरात में है, और हमसे पूछा गया था यहाँ पर पारादीप पोर्ट। तो दोस्तों देखिए ये हमारा है पारादीप पोर्ट, और पारादीप पोर्ट यहाँ पे कौन से स्टेट में है, ये है आपका उड़ीसा स्टेट में, ठीक है। तो ये सारे के सारे पोर्ट है, मैं आपके आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा पोर्ट के ऊपर कि कौन सा पोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है विथ मैप, मैप के साथ, ताकि आपको जो है काफ़ी अच्छे से वहाँ पर क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन वाले हैं, उसका पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें ये पूछा गया है वेयर इज़ दी नाथुला पास लोकेटेड, यानी कि नाथुला पास कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आपका ये बताना है। बहुत ही बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और ये वाला क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर एग्जाम की बात करते तो उसमें आपको जो है पासेस से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल भी जाते हैं, ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये जितने भी पासेस हैं वो कहाँ पर स्थित है और किस किस को जोड़ते हैं, मैं इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ये हो गया हमारा नाथुला पास, इसका मैं आपको मैप दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, और यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया ना यहाँ रेड में, ये ही हमारा जो है नाकुला पास है, ठीक है। मैं आपको एक और मैप के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा ना ये वाला एरिया, ये हमारा रहा नाकुला पास, ठीक है।
जो कि सिक्किम में पड़ता है। और ये किसको ये जो है कहीं आपसे ये पूछा जाए कि नाकुला पास जो है किसे कनेक्ट करता है, तो नाकुला पास जो है वो सिक्किम को जो है तिब्बत से कनेक्ट करता है, सिक्किम को जो तिब्बत से कनेक्ट करता है नाकुला पास। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ये आपका हो गया नाकुला पास, ठीक है, और ये आपका होगा यहाँ पर, ये पर सारा जो है ये होगा नाकुला पास, और यहाँ आ जाइए तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया तिब्बत, ठीक है, तिब्बत जो कि चाइना में पड़ता है, ठीक है, चाइना का एक ऑटोनॉमस रीजन है ये तिब्बत। तो जो नाथुला पास है वो तिब्बत को, सॉरी, जो सिक्किम को जो तिब्बत से जोड़ता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर इस वीडियो को भी देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस पे जो है वो वीडियो डाली जाती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।